हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स 2021 का पेपर है। आज हम देखते हैं 40-60 रूल क्या है। देखिए फ्रेंड्स कि ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, टोटल जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। तो आप देखिए 20 मिनट्स को तो रिजर्व करके चलिए कि मुझे 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। 20 मिनट्स को आप रिजर्व करके रखिए। अब देखिए 100 जो क्वेश्चन होते हैं, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक तो आता है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट होते हैं जिसमें ऑप्शन होते हैं 1 एंड 2 1 एंड 3 1 एंड 4। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि इनको आपको कंसीडर अभी नहीं करना है, बाद में करना है। भाई कंसीडर करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये इस तरह के होते हैं कि आपका क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, आपको एक टिक करना है। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो जो 60 क्वेश्चन है, कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो एवरेज 60 क्वेश्चन तो इस टाइप के होते हैं ऑप्शन वाले, और 40 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको फोकस करना है, इन 40 क्वेश्चन पर फोकस करना है। रीजन क्यों? रीजन इसलिए कि इन पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा लोड लेना पड़ेगा। तो आपका 2 घंटे का टाइम है, शुरू में ही आप ज्यादा लोड ले लोगे तो होगा क्या है कि ये क्वेश्चन करते करते पता लगा कि आपके 10 क्वेश्चन किए हैं और आधा घंटा आपका चला गया, आप जबकि आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद इन पे आइए। अब ये जो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट होते हैं, इनमें भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं। दो स्टेटमेंट में तो आंसर होता है 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 nor 2, इस तरह का होता है। और एक दो से ज्यादा के स्टेटमेंट होते हैं, इनमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको यूज करनी है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। देखिए, एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो स्टेटमेंट है आपके। अब इन स्टेटमेंट में कोई एलिमिनेशन टेक्निक यूज नहीं होगी। दो स्टेटमेंट है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो इनमें तो कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी। और दूसरा स्टेटमेंट वाले है, दो से ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 5 ऑप्शन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब 5 में से अब आपको देखना है कौन सा सही है। तो पहले तो देख के ही थोड़ा सा लगेगा यार, इतने सारे ऑप्शन है। तो देखिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आरबीआई रेपो रेट कम करता है। रेपो रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग ज्यादा लोन लेंगे बैंकों से, तो उससे क्या होगा, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। डिमांड पुल का मतलब है गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिस्कल स्टिमुलस, गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देती है, लोगों पर पैसा ज्यादा होगा, गुड्स परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग वेजेज, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज है कि आपकी वेजेज इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती जा रही है तो आप खूब कंजम्पशन करोगे, आपको टेंशन नहीं है कि भाई महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपकी तो सैलरी बढ़ती जा रही है, हायर परचेजिंग पावर है, आप गुड्स की डिमांड करोगे। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अब देखिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अब देखिए ये 5 ऑप्शन है, आपको नहीं पता लेकिन राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट राइज होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी बैंकों से, जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी लोग कम बोरो करेंगे, कम बोरो करेंगे तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, डाउन होगी। तो ये 5 जो आंसर है ये रॉन्ग आंसर है। तो जैसे ही आपने 5 एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया 1, 2 एंड 4 ओनली। तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 40-60 का रूल ये है कि सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चन पे आइए, उसके बाद ये कंसीडर दी फॉलोइंग पे आइए कि इनको आप बाद में कीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इनको करोगे तो ये आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करके ले जाएंगे, फिर बाद में आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर आ जाएगा तो फिर क्या है कि जो क्वेश्चन आप इजी क्वेश्चन है उनमें भी आप ज्यादा टाइम लगा बैठोगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और चीज है कि जैसे कभी कभी हम क्या क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में हमें पता है कि या तो देखिए कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और यदि हमें पता है ये आंसर गलत है, अब 3 है 3 में से हमें गैस करना है, या हमें पता है ये भी गलत है, 2 में से गैस करना है,
तो YouTube पे बहुत सारी गैस की टेक्निक है, काफ़ी जो कोचिंग सेंटर है उन्होंने गैसिंग टेक्निक बताई है, आप एक बार वो वीडियो और जरूर देखिए। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 20 या 25 क्वेश्चन ही सिंपल होते हैं, बाकी क्वेश्चनों में आपको गैसिंग टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है। जब तक आपके 60 क्वेश्चन करीब यानी 120 मार्क्स आप सिक्योर नहीं कर लेते हो, तब तक आपको क्या है गैसिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक इस साल हमने फ्री कर दी है, लास्ट ईयर इसमें से 12 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा हमने 8 घंटे में इकोनॉमी का कोर्स कवर किया है, 8 घंटे में आप इंडियन इकोनॉमी कवर कर सकते हो प्रीलिम्स की, छोटे छोटे 10 से 15 मिनट की वीडियो है, प्रैक्टिकल वे में हमने इकोनॉमी को समझाया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।